दोस्तों कहां फंसे हैं एफडी के चक्कर में, मोटा रिटर्न देगी ये स्कीम। पैसा बनाना है तो जान लीजिए इसके फायदे। अगर आप सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं तो एफडी की बजाय डेट फंड का चुनाव कर सकते हैं। इसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश का सुरक्षित विकल्प माना जाता है। ये आपको एफडी से कहीं बेहतर मुनाफा दे सकता है। तो आइए जानते हैं डेट फंड के बारे में विस्तार से। दोस्तों आजकल निवेश के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें निवेशक अपनी सहूलियत और फायदे को लेकर इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेने से हिचकते हैं, बेशक चाहे रिटर्न थोड़ा कम मिले लेकिन उनका निवेश सुरक्षित रहे, ये उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे निवेशक अधिकतर एफडी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो एफडी की बजाय डेट फंड का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, खासतौर से तब जब आप सिर्फ 2 से 3 साल की छोटी सी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हो। ऐसी स्थिति में आप म्यूचुअल फंड में डेट फंड का चुनाव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड को सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है और ये एफडी के मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता भी रखता है। क्या होता है डेट फंड? डेट फंड्स में निवेशकों से लिया गया पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में लगाया जाता है, जैसे बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आदि। यानी डेट फंड का पैसा सुरक्षित जगह पर निवेश किया जाता है। डेट फंड को इक्विटी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमें लिक्विडिटी की भी कोई समस्या नहीं होती, यानी जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। आमतौर पर डेट फंड की तय मैच्योरिटी डेट होती है। एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न। अगर आप मुनाफे की नजर से देखें तो डेट फंड्स आपको एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। आमतौर पर 1 साल से 3 साल की एफडी पर आपको 6% से 7% या 7.5% तक का ब्याज मिलता है, लेकिन डेट फंड का रिटर्न 9% के आसपास माना जाता है। ऐसे में आप डेट फंड में पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि डेट फंड में निवेशक को इक्विटी जैसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एफडी और डेट फंड्स पर टैक्स के नियम। टैक्स की बात करें तो डेट फंड्स के मुनाफे पर टैक्स का प्रावधान है। 3 साल के पहले डेट म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचने से हुए मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है। गेन्स पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। वहीं एफडी की बात करें तो 5 साल की एफडी पर टैक्स फ्री होता है। इससे कम समय की एफडी पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी डेट फंड्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।